दोस्तों, महिला तूफान फूड चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्ते का साग। इसे हम पेचकी कहते हैं बिहार में। और इसका साग जो है थोड़ा सा कुनकुनाता है, मुंह नोचता है। तो इसे बनाने का एक तरीका होता है, सही तरीका। अगर हम वैसे बनाते हैं तो साग बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद और हेल्दी है। तो चलिए अब वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो है पेचकी का साग है, अरबी का साग है, ठीक है। मैं छोटे छोटे पत्ते ही ली हूँ क्योंकि छोटे पत्ते जो अजू होते हैं ना, उनका साग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बड़े पत्ते लेने से उतना टेस्ट नहीं आता है। हमेशा साग वगैरह बनाए तो छोटे पत्ते ही लें। तो मैं पत्ते तो चूज की हूँ छोटे और अच्छे। अब मैं क्या की ना कि साग का जो ऊपर का जो डंठल था वो मैं निकाल दी हूँ और उसके बाद साग को अच्छे से मोड़ ली हूँ इस तरह से। उसके बाद चाकू से मैं काट रही हूँ आराम से। आप चाहें तो मोटा भी काट सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही बारीक काट रही हूँ। और इस तरह से अगर हम काटेंगे ना तो साग बहुत जल्दी सीज जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि साग को ना आपको काटने से पहले अच्छे से धो लें। उसमें पानी फैलता नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अच्छे से धो लें, ठीक है। और उसके बाद काटने के बाद भी आपको साग को धोना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि बरसात का मौसम है तो कीड़े पतंगे साग के ऊपर भी बैठे रहते हैं ना। अब हम देखने तो नहीं जाते ना, तो हमें अच्छे से साग बनाना चाहिए, ठीक है, कोई भी साग हो। तो इसलिए मैं अच्छे से धो ली थी साग के पत्ते को, फिर मैं काट रही हूँ और फिर मैं काट के भी धोऊंगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगी कि ये जो अरबी के पत्ते का साग है ना, इसमें एक चीज़ डालना बहुत नेसेसरी होता है। अगर वो चीज़ आप इसमें नहीं डालेंगे ना तो ये साग बनाने की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो अरबी के पत्ते का साग पंजाब में थोड़ा अलग बनता है। वहाँ इसे बॉईल करके और इसमें थोड़ा सा सत्तू या बेसन डाला जाता है, या बहुत जगह पर ऐसे होता है बनता है। लेकिन मैं बिहार से हूँ और इसलिए मैं वहाँ जो जैसे हम साग बनाते हैं, बथुआ का साग बनाते हैं, पालक का साग बनाते हैं, तो वहाँ साग बनाने का एक बहुत अच्छा सिंपल और अच्छा तरीका है। तो साग बहुत टेस्टी बनता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, देखिए मैं कही थी ना कि मैं काटने के बाद भी दो पानी में धो रही हूँ, क्योंकि मैं साग बनाती हूँ ना तो मुझे तसल्ली नहीं होता है कि एकदम साग में किन-किन उनकी या कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी साग का खाने में टेस्ट आता है। नहीं तो फिर बन तो जाएगा लेकिन खा नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से अब सबसे अहम इम्पॉर्टेंट बात, इसीलिए वीडियो स्किप करके नहीं देखना चाहिए। अगर आपको बनाना है, सीखना है तो पूरा देखना चाहिए कि इस साग को काटते समय क्या होता है ना, हाथों में भी थोड़ा सा खुजली हो जाती है। तो अब इसका मतलब नहीं कि हम हाथ खुजलाने लगे, नहीं। तो करना क्या है, अपनी हाथों की भी खूबसूरती और केयर करनी है भाई, खाना ही बना रहे हैं तो क्या है। तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नमक लेंगे और इस तरह से आप हाथों में अच्छे से लगा लें और लगाने के बाद धो लें तुरंत, ये नहीं कि बाद में, तो और चुनचुनाहट बढ़ जाएगी। तो इस तरह से कोई रिस्क नहीं लेना है, खाना हम बनाएंगे लेकिन अपना भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं हाथ को अपना नमक से लगा के धो ली तो मेरा हाथ क्लीन हो गया। अब मैं खुशी खुशी आगे खाना बना रही हूँ। तो मैं कढ़ाई गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब इसमें हम कुछ नहीं, बस साग को धोया हुआ जो ताज़ा साग है उसे हम डाल देंगे और इस तरह से फैला देंगे। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक इसमें आप ना एकदम चुटकी डालिएगा, क्योंकि साग गल जाता है, पता ही नहीं चलता। नमक ज़्यादा हो गया तब भी साग बेकार हो गया, कोई खाएगा ही नहीं, इसलिए नमक एकदम चुटकी डालिए। या आप अंदाज नहीं तो मत डालिए, छोड़ दीजिए नमक, ठीक है। और साग या कोई भी जो बहुत जल्दी गल जाता है ना, जैसे नेनुआ घिवरा का सब्जी होता है, तुरई की सब्जी, तो वैसे में अगर आपको अंदाज नहीं है तो नमक डालिए ही नहीं, और अगर है तो चुटकी, दो चुटकी डालिए। मेरा तो एक्सपीरियंस हो गया है तो मैं अब डाल लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें खटाई ऐड करनी, या तो आप आमचून का पाउडर डाल दें, या आम को, जब आम का सीजन होता है तो कच्चे आम को हम छील के और काट के धूप में सुखाते हैं खटाई के लिए, और उसे अभी हम फुला के पीस के भी इसमें डाल सकते हैं। और या आप आम की चटनी जो बनती है सालों भर के लिए स्टोर करके, वो चटनी भी एक चम्मच इसमें डाल सकते हैं, या आमचूर का पाउडर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो इमली का पानी भी आप डाल सकते हैं, इसे गर्म पानी करके इमली को उसमें डाल दीजिए, उसके बाद पानी उसका रस निचोड़ के एक चम्मच दो चम्मच डाल दीजिए। मतलब खटाई इसमें पड़नी है, नहीं तो साग जो है ना
मुंह में कुनकुनाएगा और आप खा नहीं पाओगे, तो इसलिए इसमें कुछ होता है ऐसा जो मुंह में चुनचुनाता है या कुछ भी अजीब सा लगता है टेस्ट, आप खा के समझ लेना। और ऐसे मेरे तरीके से बनाओगे तो आपको तो अच्छा ही टेस्ट मिलेगा। अब मैं क्या की 4-5 हरी मिर्च ली हूँ, वो हरी मिर्च एकदम पीता नहीं खीरा जीता है, वैसे भी कच्चा चबा के हम लोग खा जाते हैं। और मैं लहसुन को छील के काट ली हूँ, ठीक है कच्चा। और उसके बाद देखिए साग को कंटिन्यू तेज आँच में ही थोड़ी देर के लिए हम चलाएंगे। जब लगेगा साग गलने लगा है, अरबी के पत्ते का साग, तो फिर हम इसे ढक देंगे और 1 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ढकने के बाद फिर देखिए, फिर ढक्कन हटाएंगे तो हमारा जो साग है थोड़ा थोड़ा मतलब गल गया है और सटने लगा, तो ये सोना सोना हुआ है, इसे जलना नहीं कहते, जलता है जो काला पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सोन सोन साग हो रहा है। अब इसी में आप 1 चम्मच सत्तू बेसन डाल सकते हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा अलग तरीके से बना रही हूँ, उस तरीके से नहीं बना रही हूँ, ठीक है। इसमें मैं कुछ भी ऐड नहीं करूँगी और बस ऐसे ही साग को मैं चलाते जाऊँगी और सोनापन इसमें आते जाएगा। देखिए पूरी तरह से सूख गया साग, अब हम इसमें से निकाल लेंगे साग। और निकालने के बाद क्या करेंगे, उस अच्छी तरह से मैं साग को निकाल रही हूँ, और क्योंकि देखिए साग गलने के बाद कितना थोड़ा सा हो गया ना, अब मैं इसमें निकाल रही हूँ और थोड़ा सा मतलब ठंडा होने दूँगी। उसके बाद इसमें मैं जो लहसुन काट के रखी थी और मिर्चा वो डाल दी, हरी मिर्च। अब ये ना दोस्तों मैं आम का अचार बनाई हूँ तो इसमें मैं तेल ज़्यादा डाली हूँ, क्योंकि तेल में ना खट्टापन का स्वाद आ जाता है। जब ऐसी सब्जी हम बनाते हैं या साग बनाते हैं तो उसी तेल को मैं 1 चम्मच आधा चम्मच डालकर यूज कर लेती हूँ, तो मैं अचार का तेल ही डाली हूँ, ठीक है। और उसके बाद अच्छे से मैं मिक्स कर दी। इस तरह से अरबी के साग के पत्ते की रेसिपी कम्प्लीट हुई। थैंक यू।